हेलो गाइस, राम राम। आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। मैं आज नमकीन चावल बनाऊँगी। तो तीन मीडियम साइज़ के आलू थे, ये दो छील के दो के मैंने कट कर लिए। तीन छोटे छोटे टमाटर थे, ये कट कर लिए। और तीन छोटे छोटे प्याज थी और एक हरी मिर्च थी, ये कट कर ली। और एक गांठ लहसुन की है और एक कटोरी ये चावल है। कुकर में बनाऊंगी, तो अब मैं गैस चालू करके और कुकर को रख रही हूँ। कुकर हमारा गर्म हो गया है और मैं तेल डालूंगी इसमें। एक सब्जी वाली चम्मच तेल की डाल दी है, आप घी में भी बना सकते हो। अब ये गर्म होने देंगे जब तक हम चावल धो लेंगे। चावल हमने धो लिए हैं, जब तक तेल गर्म होगा जब तक लहसुन कूट लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और चुटकी भर हींग डाल देंगे। मैंने दो छोटे छोटे तेज पत्ते लिए हैं, ये भी डाल रही हूँ। और दो लौंग डालूंगी, ये डाल रही हूँ। इनको चटकने देते हैं। जीरा हमारा चटक गया है, अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च और प्याज। प्याज हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अब मैं लहसुन भी डाल रही हूँ, तो लहसुन भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। प्याज और लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया अच्छी तरह से। अब मैं इसमें आलू डालूंगी। आलू को भी थोड़े से फ्राई कर लेंगे। आप कोई भी सब्जी डाल सकते हो, आपको पसंद है तो हरी मटर जैसे फूल गोभी और कोई सब्जी पसंद हो तो। मैं तो यही डालूंगी कि बच्चों को यही पसंद है। आधी छोटी चम्मच में लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आधी छोटी चम्मच में धनिया पाउडर डाल रही हूँ। आधी चम्मच ही हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अब इनको मिक्स कर लेंगे। टमाटर डाल देंगे। थोड़ी देर मसाले को पकने देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे कि हमारा मसाला फूल जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से पक गया है, अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। अब इनको मिक्स कर लूंगी।
पानी डालेंगे। ये 2.5 गिलास के लगभग पानी है। अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। पानी हमको थोड़ा कम लग रहा है तो छोटी गिलासी और डालेंगे। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 4-5 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। चार पांच सीटी आ गई हैं और अभी मैं इनको उतार के देख लेंगे। गैस भी निकल गई है हमारी। देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं। ज़्यादा मसाले वगैरह तो हमने डाले नहीं, सिंपल ही बनाए हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। राम राम जी।